बोलिए सतगुरुदेव की। साहिबन चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शान शाह है जिसको ना है चाह। सभी दुखों का कारण इच्छाएं तो हैं, अगर आप थोड़ा चिंतन करेंगे आपको मन का स्वरूप समझ में आता जाएगा। जब आप मन के स्वरूप को समझेंगे, और इसके लिए एक साधन है, जल दो गैसों का मिश्रण है, इसकी पुष्टि और अनुभूति कब होती है, जब हम जल को आग पर रख देते हैं तो उसके अंदर से वायु तत्व बाहर निकलना शुरू होता है। इसी तरह आत्म तत्व की पुष्टि मन के बाहर निकलने के साथ होने लगेगी। राजा जनक विचार करके उठा, इष्ट अनिष्ट की वासना को त्याग कर अपनी दैनिक क्रिया में लगा। फिर एक दिन समय अपने रात्रि में सिद्धों के शब्दों का ध्यान में करके उनका चिंतन किया और कहा, हे चंचल मन, तुमको परमानंद आत्मा का सुख नहीं दिखाई देता है। इस असत्य संसार के सुख के प्रति इच्छा करता है। हमेशा मन का रुझान ही विषयों की तरफ है। इस दुख में संसार से तुझे क्या लाभ? जैसे तू अपनी इसकी इच्छा करता है वैसे ही दुख बढ़ता जाता है। संकल्प का नाम ही दुख है। ये संकल्प हमारी आत्मा की देन नहीं है। संकल्प विकल्प तो मन की चंचलता है। जैसे वायु स्थिर नहीं है, मन भी वैसा ही है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शान शायन जाकू नहीं चाह। ये मन देखने में, ये संसार देखने में आकर्षक लगता है, पर साहब कह रहे, कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये रुई लपेटी आ गए। संसार के जितने भी सुख हैं सब क्षणभंगुर है, स्थाई नहीं है। हेमंत, अब तू इस संसार से संबंध त्याग दे और आत्म तत्व का आश्रय ग्रहण कर। जासे नाथा आदि का बिसर गया तह ठोर, बड़ी विडंबना है। एक बात हमें चिंतन करनी होगी, इस विचार से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। जब हम एक ही बात पर स्थिर हो जाइए ना, जब हम ये सिद्धांत रूप से मानते हैं शरीर नाशवान है, आत्मा नित्य है, उसके बावजूद भी हम केवल शरीर के पोषण के काम कर रहे हैं। थोड़ा सा विचार करें, यहाँ साहब कह रहे हैं, जासे नाथा आदि का बिसर गया तय ठोर, कहे कबीर ये बीच ही भलक और की ओर। इस तरह विवेक से मन को अपने अधीन करने का प्रयास करें जरूर, और नाम करोगे तो ऑटोमेटिक वो रुक जाएगा। संसार के पदार्थ कैसे हैं, साहब कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये रुई लपेटी आ गए। जब आत्मा विस्तृत रूप है तो फिर दुख और सुख क्या है? आपको मन ऐसा नहीं दिखाई देगा। कर विचार ही माही, जब आप गंभीर तरीके से विचार करेंगे आपको मन का पूरा खेला समझ में आएगा। इसलिए हे मन, तू मूर्ख मत बन, गंभीर समुद्र की तरह अपने आप में ही स्थित हो जा। इस समस्त संसार की भावना को भी त्याग। इस तरह राजा जनक
विवेक के द्वारा अपने मन को अधीन कर रहे थे। इसलिए आत्मज्ञानी इष्टाभिष्ट दोनों में सम रहता है, सुख दुख दोनों में सम रहता है। ये तो सिर्फ शरीर की आवश्यकता है और शरीर ही केवल मन का विषय है। मैंने एक बात साफ कही, कई बार कही है, संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्रिय मन है, इसका एक ही रुझान है बस जगत के पदार्थों की तरफ। इंद्रियां इसकी सहचरणी है, इसको पूरी खबर देती है। ये नेटवर्क बहुत जबरदस्त है। बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जी, इस शरीर का रोम रोम सिर्फ आत्मा को फंसाने के लिए है। वह केवल संभाव में स्वच्छ और अपने स्वरूप में स्थित होकर संसार में विचरने लगा। हाँ, पलट वजूद में अजब विश्राम है। उसने अपने हृदय में किसी भी प्रकार की कामना और कल्पना नहीं उठने दी। अपने स्वरूप का अनुसंधान करने लगा। अनंत प्रकाश में निश्चलता को प्राप्त हुआ। मन की संकल्प वृत्ति नष्ट हो गई और महा चैतन्य रूपी आत्मा प्रकाशित हुई। जिस प्रकार आकाश में सूर्य चमकता है, उसी प्रकार आत्मा चमकने लगी। राजा जनक संताप से रहित होकर किसी वस्तु के मिलने या नष्ट होने पर हर्षमान व शोकमान न होता। हे राघव, आप भी राजा जनक की तरह तुम भी सब कार्य करो, परंतु सदैव आत्मस्वरूप में स्थित रहो। गफलत नहीं सदा होशियार देखना। अब प्रश्न है, आत्मस्वरूप में स्थित होने के लिए हमें क्या उद्योग करना है? बस मन की तरंग मार लो। 24 घंटे आप अगर नजर रखेंगे तो मन विचारों की उपम पो और इधर उधर के चिंतन में उलझा रहता है। बस वो ना कहूं गया नहीं कहीं, उसको रोक दू, बस हो गया काम। अंधकार की निवृत्ति का एक उपाय है प्रकाश। प्रकाश, आप प्रकाश को प्रज्वलित करो, अंधकार स्वयं मिट जाएगा। उसके बाद साहब एक सहज मार्ग लाए संसार के लिए। आपके साथ एक ताकत जुड़ी है, नाम के बाद आपकी विवेक शक्ति, आप में सद्गुण उत्पन्न हुए। जैसे आज हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, पहले आदमी जब कहीं जाता था घूमने तो पूछता था एक दूसरे से, फलाना रास्ता कहाँ है, फलानी जगह जाने के लिए रास्ता किधर से जाता है। आजकल ये नहीं है, एक ऐप, एक यंत्र बनाया गूगल वालों ने, नेविगेटर। यूरोपीय देशों में, विदेशों में, अमेरिका में, कनाडा में, अन्य देशों में, ब्रिटेन आदि में, आप टैक्सी वाले को सिर्फ पता दे दो इधर जाना है, टैक्सी वाला आपको वहां पहुंचा देता है। कोई भी गली, किसी भी कूचे का आप पता बता दे, वो नेविगेटर लगा देता है। नेविगेटर उसको पूरा पूरा गाइड करता चलता है, क्वेश्चन भी देता है कि 100 मीटर आगे जाने पर तुम्हें बाएं मुड़ना है। इवन अगर जाम भी लग जाता है तो आपको वो सूचना देता है किसी एक्सीडेंट के कारण से जाम लगा है।
साथ में आपको वो भी ये बताता चलता है कि ये दूरी आप कितनी देर में तय कर लेंगे, ये पूरी चीज उसमें फीड है। इसी प्रकार जिस दिन गुरु नाम देता है, एक यंत्र, नाम रूपी यंत्र आप में सेट कर देता है। अब वो आपको उचित अनुचित सब बताता चलता है। आखिर वो यंत्र ऐसा क्यों बताता चल रहा है? वो एक दिव्य ताकत से कनेक्टेड है। आप विश्वास करें, नाम के बाद आप एक ताकत से कनेक्ट करते हैं गुरु, तभी तो गुरु को इतनी महान पदवी दी गई। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी जिन गोविंद दिया दसाए। अगर आप अपने में जो बदलाव देख रहे हैं उसका कारण बताता हूं। निसंदेह चाहे कितना भी इंटेलिजेंट आदमी होगा दुनिया का, वो मूर्ख है। आप कहेंगे महाराज ये कैसी अटपटी बात कर रहे हो, वजह उसका नेविगेशन मन कर रहा है। मन में भी नेविगेशन सिस्टम है, और वो आपको किस तरफ ले चलेगा? हमेशा विषयों की तरफ दौड़ेगा। जैसे चंदन शीतल है, उसकी लकड़ी अगर आग में डालोगे तो वो भी ऊष्मा दे देगी। इसलिए मन की स्थिति के बारे में साहब ने बड़े जोरदार शब्द कहे, मन एक बेहद खराब चीज है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गहे विश्वासा। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। इससे सिद्ध हो रहा है कि आपका सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो आपका दुश्मन मन है। कितने स्पष्ट शब्दों में साहब ने इसकी व्याख्या दी है, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। अब वो कैसे नेविगेट कर रहा है? मन का एक ही काम है कि आत्मा ईश्वर तक नहीं जाए, उसको खतरा है, वो चाहता है एक भी नहीं जाए। अगर कोई आत्म तत्व तक पहुंचा, वो महात्मा बहुत लोगों को उस तरफ खींच के ले जाएगा, इसलिए वो बाधा डालता है। इसलिए मन का नेविगेशन क्या होता है, ये किससे नेविगेट हो रहा है? इंद्रियों से। इसकी सहायक इंद्रियां हैं। इंद्रियां बड़ी स्वार्थी है, इसलिए ये आपको विषय विकारों की तरफ खींचेगा। इसकी एक ही ड्यूटी है, आत्मा परम अपने स्वरूप तक नहीं पहुंचे, ये मन का काम है। आत्मा ईश्वर तक नहीं जा सके, ये मन का काम है। सुखमन मध्य बसे निरंजन, मुंदा दसवा द्वारा। जैसे पक्षी पिंजड़े में हो जाता है, उसकी उड़न शक्ति बंद हो जाती है क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिलता है उड़ने के लिए। शेर पिंजरे में बंद होता है, उसके बाद उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। इसी तरह आत्मा की शक्ति का वो दुरुपयोग करता है, वो आत्मा का पावर इंद्रियों की पूर्ति के लिए लेता है। आप देख सकते हैं साहेब वाणी में कह रहे हैं, एक दुई होए तान समझाऊं, सभी बुलाने पिटवा के धंधा, कहे कभी सब जग अंधा। जब हम दुनिया को अंधा कहेंगे, मारने के लिए दौड़ेंगे। अंधा क्यों है? अंधा उसको कहते हैं जिसको दिखाई नहीं देता है।
जब इस घट में अपनी आत्मा को नहीं देख रहा है, इसलिए आत्मा को अंधा कहा, जीव को अंधा कहा। दूसरा, अपने अंदर जो विकार बस रहे हैं जो बहुत खतरनाक है, उनको अंधा कहा। मैं लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, क्या आप हमेशा खूंखार और हिंसक जीवों को नहीं पालें? वो कितने भी आप पाल लेंगे, वो अपनी वृत्ति नहीं छोड़ते, अंतोगत्वा आप पर हमला कर बैठेंगे। आपने देखा होगा एक व्यक्ति, वो मगरमच्छों के साथ खेलता था, मगरमच्छों को मित्र बनाता था, आप नेट पर भी देख सकते हैं। पिछले कुछ सालों से अभी वो गुम है। मैं कह रहा हूं, शर्तिया बता रहा हूं, गुम नहीं है, मगरमच्छ उसको खा गए। इस तरह इस मन का कभी भरोसा नहीं करना, मन को कभी ढीला नहीं रखना, यह आपका बैरी है। इसका डायरेक्शन हमेशा मन माया में फंस रहे हो, इंद्रियों के सुख को ही सच्चा सुख मानता है और आत्मा को भ्रमित कर रखा है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोह राख भरमाई, हंसा तू तो सबल था अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया अब क्यों फिरत बेहाल। इसलिए मन जीव को भरमा विसोई, मन का नेविगेशन बड़ा अटपटा होगा, वो आपको सिर्फ विषयों की तरफ ले जाएगा। जैसे जैसे आप विषयों की तरफ बढ़ेंगे, अपनी आत्मा से दूर होते जाएंगे, आप अपनी आत्मा से बहुत दूर होते जाएंगे। इसलिए इस मन से हमेशा सावधान रहना। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, गुरु एक ऐसी ताकत देता है, उसके बाद मन का नेविगेशन वो सीज करता है, और दिव्य नेविगेशन एक शक्ति गुरु की आपको नेविगेट करती चलती है। तभी तो साहब यहां एक शब्द कह रहे हैं ना, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, बोला अब गुरु है मैं नहीं हूं। प्रेम गली अति संकरी तामे दो न समाये, वाह, एक म्यान में दुई खड़ब, देखा सुना न कान। पहले बोला जब मैं मन ही है था तो गुरु नहीं था, आप विचार करें, अब गुरु है मैं ना है। आप देखें, नाम से पहले आपका नेविगेशन कर रहा था मन, आप मन के कहने पर चल रहे थे, जो जो मन कहता था अब वो कर रहे थे। अब यहाँ साहब एक इशारा कर रहे हैं, मन लोभी मन लालची, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, वाह मन चोर है, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। इस तरह आप अगर नामदान से पहले का जीवन देखेंगे, अंधकार में था, आपको रॉन्ग नेविगेट कर रहा था वो, कभी ये मन परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए सहयोगी नहीं हो सकता है, ये इसकी आदत नहीं है। सौ मन साबुन से अगर एक कोयले को धोकर उज्जर करना चाहोगे, कभी नहीं होगा। थोड़ी देर अगर हो जाए मान सकता हूं, लेकिन कोयला तो पूरा काला है। इस तरह कोई कहे अगर मन को शुद्ध किया, तो ये वाक्य बड़ा गलत है। मन को बस करो, मन को अपने वश में करो, मन को नियंत्रित करो। यहां साहब कह रहे हैं, मन पर जो असवार है ऐसा बड़ा कोई। अब देखिए इसमें सवार होने का क्या भाव है, नाम लेने के बाद हाथमा वही है, आंखें वही है, कान वही है, मुख वही है, लेकिन बदलाव क्या आया?
पहले ये स्वच्छंद थे, स्वतंत्र थे, जो चाहते थे वो करते, अभी नहीं, अभी नहीं। अगर बलात् बलपूर्वक ये आपको किसी दिशा में भी ले जाते हैं, एक पॉइंट तक वहीं से पलटाते हो आप, उधर से ही फिर पलटाते हैं, वाह, आप वहां से पलटाते हैं। अगर आप देखेंगे अमूल चूक परिवर्तन नाम के बाद आया, क्योंकि अब आपके अंदर गुरु ने एक नेविगेटर सेट कर दिया, वो किससे कनेक्टेड है, परम शक्ति से कनेक्टेड है। आप नहीं देख रहे, आप गूगल में जाते हैं, आप फेसबुक पर जाते हैं, अभी मेरा ये प्रोग्राम लाखों लोग देख रहे हैं, ऐसे व्यूवर 35-30 हज़ार तक होते हैं, लेकिन अकेला तो कोई देख नहीं रहा ना, उनके साथ परिवार के लोग भी देख रहे हैं, इस तरह औसत निकालता हूँ लाखों लोग। तो एक स्थान, एक कमरे में मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ से मैं पूरे विश्व के कोने पर, कोने कोने में अपना संदेश दे रहा हूँ। आप सबको बधाई हो, हमने अभी नया स्टूडियो बनाया है, आज पहले दिन मैं उस स्टूडियो से रानीडी में अपना सत्संग कर रहा हूँ। आज आपके पास कोई साउंड, कोई बाधा, कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगी, ये साउंड प्रूफ है। तो यहाँ से बैठकर मैं अपने देश, पूरे देशों में जो मेरा नाम ही है, सब तक मेरा संदेश जा रहा है एक स्थान पर बैठ करके। इसी प्रकार से आप गूगल में जाते हैं, कहीं की भी जानकारी लेते हैं, वो फौरन आपको देते हैं। इस तरह वो नाम की ताकत जब हृदय में आ जाती है, वो इतना टॉप नेविगेट करती है, फिर आप बुराई की तरफ नहीं जा पाएंगे। कहे कबीर, नाम बिना सुनी शरीर, नानक देव जी ऐसे नहीं फरमाए, वो ताकत सेट कर देते हैं। आप अभी अपने में जो बदलाव देख रहे हैं, वो उसी ताकत से, आप में वो बदलाव लाई ताकत। जैसे आप किसी गलत दिशा की तरफ बढ़ते हैं, वो ताकत उसी समय आपको कंट्रोल करती है, नहीं, नहीं जाना, नहीं करना, नहीं ऐसा कार्य करना, आप खुद देख सकते हैं। इसलिए आप में एक बेहद अनुपम बदलाव आया। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गली अति संकरी, तामे द्वि न समाए। पर एक चीज है, उसे कनेक्ट रहना। मेरे पास आईफोन 8 भी है, वो मैं न्यूयॉर्क से खरीदा था, ओरिजिनल एप्पल वालों के शोरूम से। तो बीच में मैं उसे डिस्कनेक्ट रहा, अब वो नहीं चल रहा है, कह रहे हैं इसको रिचार्ज करो, अभी वो काम नहीं कर रहा है, उसकी सिम भी काम नहीं कर रही है। इसलिए साहब यहाँ क्या करें, गुरु से सुरत राख रहे जोड़ी, आप इसका लाभ हानि समझते होंगे। जब आप काफ़ी दिन गुरुजनों से डिस्कनेक्ट रहते हैं, तो आप में विकृतियाँ आना शुरू हो जाएगी। अब साहब यहाँ एक बात और कह रहे हैं, बिना सत्संग कुमत नहीं छूटी, बिना सत्संग के कुमत छूट नहीं सकती है। चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, हृदय कपट की गांठ न जासी। इस प्रकार से वो आपको जब से नेविगेट कर रहा है, अभी कमांड चेयर पर साहब है, वो नाम की ताकत है। जब साहब संसार में आ रहे थे, तो वृतांत बताता हूँ। पहले जब आए, जीवों को काल पुरुष तप्त शिला पर भूंज भूंज कर खा रहा था, तब परम पुरुष के पास आवाज पहुंची, साहब को पठाया, हे ज्ञानी, जीवों को काल से छुड़ाकर मेरे पास लाओ। 16 पुत्र हैं, किसी को भी साहब ने नहीं भेजा, क्योंकि निरंजन का तप था, उनमें बहुत शक्ति। इसलिए साहब कह रहे, परम पुरुष ने अपने को मचकर मुझे बाहर निकाला, मुझे पैदा नहीं किया। जैसे
दूध को मथकर घी बाहर निकालते हैं। इस तरह साहब जब पहली बार आए तो आप इसका ध्यान देना इस बात पर, कोई जीव साथ नहीं ले आए। परम पुरुष ने कहा, हे ज्ञानी, तुम किसी को साथ में नहीं लाए, क्या बात है? साहब ने कहा, जिसको सुबह समझाता था शाम तक भूल जाता। निरंजन बड़ा प्रबल है, मैं जो चीजें आपके सामने रख रहा हूं वो प्रमाण के साथ रख रहा हूं। कह रहे हैं, पुरुष दयाल, अब आप इसको ध्यान से सुनिएगा। दयानिध स्वामी, जिनके मूल अमान अकामी, कहो मोह बहुविध समझाई, जीवन आनो नाम चताई। कहा जीवों को, अब परम पुरुष ने कहा उनको ये ताकत देकर चेताकर तब लाओ। धर्मदास जी यहां प्रश्न पूछ रहे हैं, धर्मदास विनती यस लाई, ज्ञानी मोह कहो समझाई, जो कुछ पुरुष शब्द मुख भागा, सो साहेब मैं गोय न रखा। जो परमात्मा ने आपको नाम दिया वो गुप्त न रखो, मुझे सुनाओ। कौन नाम ते जी उबारा, सो साहेब सब कहो बिचारा। किस नाम से जी उबरेगा, हे परम, हे प्रभु मुझे वो बताओ। अब धर्मदास जी को साहब क्या बोल रहे हैं आप सुनिएगा। पुरुष मोह जैसे फरमाई, सो सब तुमको संद लखाई, वो चीज मैं तुम्हें दे चुका हूं। और धर्मदास पूछ रहे हैं, ये विशेष साहब के धर्मदास जी वो शंकित हो रहे हैं, बाकी जीव की क्या बोले। कहो मोह बहुविध समझाई, जीव आनो नाम लखाई। जीवों को मुझे बताया कि जीवों को इस तरह से ले आओ। अब कौन सा नाम, साहब कह रहे हैं, गुप्त वस्तु प्रभु मोह को दीना, नाम विदेह है मुक्ति को चीना। वो नाम विदेह है, वो गुप्त मुझे दिया सुरती में। उसके बाद काल का जोड़ नहीं चलता है। वाह, जैसे एक टीका लग गया, चेचक का वैक्सीनेशन, तो चेचक का वायरस फिर पास नहीं आ सकता है, आएगा तो मर के जाएगा। इसी प्रकार नाम होए तो मात नवाई, ना तो ये मन बांधना चाहिए। आप शब्दों को थोड़ा समझें, बिना अनुभव के लोग बातें करते हैं। जब बिना अनुभव की बातें करते हैं तो वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। यहाँ साहब क्या करें, बिन देखे उस देश की बात करे सो कूर, आप तो खारी खात है बेचत फिरे कपूर। इस तरह अब आप देखना, नाम प्राप्ति के बाद एक ताकत आपसे जुड़ गई। यहाँ साहब क्या करें, नाम पाए सत्य जब बीरा, नाम पाए सत्य जब बीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। आपको जरूर बारीकी से लगता होगा, नाम की प्राप्ति के बाद एक ताकत आपके साथ रहती है, वो नाम है। और जीवन के कई ओकेजन पर, मौकों पर उस ताकत ने आपका साथ दिया होगा। और आप ये जान रहे हैं, आपकी आस्था उधार की नहीं है, आपके पास कई प्रत्यक्ष अनुभूतियां भी है।
तो अभी यहाँ पर कह रहे हैं नाम बिना सब विश्वहीना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लहिए, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच पर। इस ताकत को नाम कह रहे हैं साहब, कितना स्पष्ट कह रहे हैं। नाम पाए सत्य जब बीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। उसके बाद साहब की एक ताकत आपके साथ रहने लगती है। अब वो ताकत क्या कर रही है, उसको डोमिनेट कर रही है मन को। आप ऐसे ही नहीं सुधरे हैं। अगर आप अपना अतीत देखेंगे तो बड़ा अंधकारमय था। नाम के बाद आपके अंदर अमूल चूक परिवर्तन मिला। पर यहां एक शर्त है, वो मैंने कल भी बताई थी, सत्य नाम निज औषधि। सदगुरु दही बताए औषधि रूपत रहे ताकि वेदन जाए। मन, ये इंद्रियां मन की सहायक है, पूरी चित्त मन का सहायक है, कैसे भ्रमित करेगा वो सुन। एक बार हमारी यात्रा जम्मू से मेरे गुरुदेव के जन्मदिन पर सुल्तानपुर, पहाड़पुर सुल्तानपुर जा रही थी, तो यात्रा निकली। मैं पीछे कुछ खरीदारी में रुक गया। मैं आपको बताना चाहता हूं मन किस तरह से आपको घेरेगा। मुझे कहा तो मैंने एक रिक्शे वाले से पूछा, मैंने कहा भाई सुल्तानपुर के लिए रास्ता किधर से है। उसने बोला बाबूजी यहां से 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद आपको एक चौराहा मिलेगा। ये चौराहा बहुत बड़ा है, यहां 4 रास्ते हैं, आप सीधे जाना। और किसी से पूछना मत। मैं चौंक गया। मैंने सोचा ये रिक्शे वाला मुझे रास्ता तो बता रहा है, कह रहा है किसी से पूछना मत, क्या रहा है कारण है। और चौराहा बड़ा विशाल है, वो वहां आवाजाही काफी है। चौराहे पर जब मैं पहुंचा, मेरे अंदर एक विचार गूंज रहा था, आखिर रिक्शे वाले ने मुझे रास्ता बताते हुए ये हिदायत क्यों दे दी कि किसी से पूछना मत। मैंने गाड़ी रोकी, एक आदमी से पूछा सुल्तानपुर का रास्ता किधर से है। उसने कहा ये गोल चौराहे का जो पोस्ट बना है इसके दाहिने तरफ चले जाना। मैं चौंक गया। मैंने कहा, दिल में सोचा रिक्शे वाले ने तो मुझे ये बताया था कि रास्ता किसी से नहीं पूछना। और कहा सीधे जाना, और यहां ये आदमी मुझे बोल रहा है कि देने घूमना। जब वो आदमी मुझसे बोला तो 3-4 आदमी और खुद पास में आए। आप गौर करना मेरी बात पर, 3-4 आदमी खुद मेरे पास आए, कहां जाना है। मैंने कहा सुल्तानपुर। बोला देने होकर चले जाओ, ये सुल्तानपुर का दाहिनी तरफ रास्ता है। मेरे मन में विचार आया रिक्शे वाला कितना धूर्त था, मुझे उल्टा रास्ता बताया। आखिर उसको क्या हासिल हुआ इसमें। अजी मैंने दाहिनी तरफ जब मोड़ा, 200 गज वो रास्ता जाने के बाद विशाल जंगल था,
रास्ता बड़ा चौड़ा था, आगे जंगल था। वहां राजनी होती थी, लोगों को लूटते थे वहां। अब देखो उनका नेटवर्क कैसा था। उन्होंने चौराहे पर, वो जानते थे अनजान आदमी ही पूछेगा यहां आकर, उनका धंधा ये था, अनजान आदमी ही पूछेगा आकर। उनकी पूरी टीम थी। उनकी टीम कैसी थी? जो लूटने वाले बदमाश असलाह लेकर थे वो उधर थे, दैनी तरफ। आगे वीरान था 300-400 मीटर के बाद। उन्होंने चौराहे पर अपने आदमी खड़े रखे थे कि जब भी कोई आदमी रास्ता पूछेगा, क्योंकि जो गाड़ी में जा रहा है उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा, कार सबके पास नहीं होती है। अब यहां ये सवाल था, ये सब किसके सामने हो रहा था? नाके पर ट्रैफिक पुलिस का आदमी खड़ा था। ये घटना वहीं से हो रही थी। मैं जहने जब मुड़ा 200-250 मीटर आगे जाने के बाद, मुझे वीरानगी और जंगल सा लगा। मैंने कहा यह सुल्तानपुर का रास्ता नहीं हो सकता है। मैंने ड्राइवर को कहा जल्दी गाड़ी मोड़ो, मोड़े। फिर मैं उस चौराहे के पास पहुंचा, एक ने कहा बाबूजी आप गलत गए थे, सीधा जाओ। वो जान बोला आप इस तरफ कैसे चले गए थे? मैंने कहा किसी ने बताया। तब उसने बताया ये राहजनी वाले बदमाश लोग हैं, आगे हथियार लेके खड़े हैं, और जो आदमी इस तरह भूल कर जाता है उसको लूटते हैं। आपको ये गलत रास्ता बताया गया, टीम है इनकी। तब मुझे रिक्शा वाले की बात याद आ गई कि उसने मुझे ये हिदायत क्यों दी थी। इस तरह ये मन की पूरी टीम है, ये इंद्रियां भी आपको जहां मन बोलेगा कहेगी वही आनंद है, उधर ही जाओ, क्योंकि आपको तो उलझाना है, आपको उलझाना है मन ने। तो साहब कह रहे मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोय राख भरमाई, उन्होंने भ्रमित किया। कैसी प्लानिंग थी? एक से पूछा, तीन और भी खुद ही आ गए। वाह क्या टीम थी, क्या टीम थी। इस तरह ये पूरी इंद्रियां, पूरा साजो सामान शरीर में लगा हुआ है, ये सब निरंजन का है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, देव निरंजन सकल शरीरा तामे ब्रह्म ब्रह्म कबीरा। इस तरह रिक्शे वाले की तरह संत जन कह रहे हैं इस रास्ते पर मत जाओ, यहां लूटे जाओगे, लेकिन आदमी बरबस उसी तरफ जा रहा है। तो ये नेविगेटर आपको साफ साफ बताता चलेगा नाम के बाद क्या कृत्य है, क्या आकृत है, और जहां तुम संकट में फंसोगे तो वो दिव्य शक्ति खुद प्रकट भी हो जाती है। मैं आपको भरोसे से कह रहा हूं, मेरा ये रिसर्च है। जीवन के कई ऐसे मौकों पर आप गंभीर समस्याओं में फंसने वाले होते थे और उस ताकत ने आपको वहां से डाइवर्ट कर दिया। वाह, इस तरह से जब मैं था पहले, इस शरीर में है मन, दीक्षा लेने से पहले आपके अंदर मन क्रियान्वित था, मन राजा था इस बॉडी का, मन जो चाह रहा था कर रहा था, अब वो नहीं, ये मैं मन ही है। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गदी अति संकरी तामे दुई न समाए कबीरा तामे दुई न समाए। इस तरह बंधुओं ये ध्यान देना, पहले ये संसार के विषय बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन इनका प्रतिफल बंधन और मृत्यु की तरफ ले जाता है। यहाँ साहब एक शब्द कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो ये रुई लपेटी आ गए। तो ये सुमरण जरूर करते रहना, मन के चलाए तन चले ताको सर्वस जाए। गुरमुख होना है, गुरमुख होने का मतलब है आप गुरु के रास्ते पर चलना, न कि मन के रास्ते चलना। जो मन के कहने पर चलते हैं वो मनमुख हो जाते हैं, जो गुरु के कथन पर चलते हैं वो गुरमुख है। और गगन मंडल में उर्धमुख कुआं गुरमुख साधु भर भर पिया, निगुरा प्यास मरे बन किया, जाके ही अंधेरा है। हर समय इस मन से सावधान रहना, जाका घर है गैल में सो कस सोए अचित। सतर्क रहना, गफलत नहीं होशियार देखना, ये स्मरण जरूर करते रहना।
आग जलती है उष्मा आ जाती है, सुमरण से दिव्य शक्ति आ जाती है, सुमरण से दिव्य ज्ञान प्रकाशा, सुमरण से वाह, सुमरण से सुखोदय, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण किए साईं माया समाए। ध्यान में भी बैठना, मन पर हमेशा नजर रखना, संसार के विषयों की तरफ नहीं दौड़ना, मन आपको घुरांग नेविगेट करेगा, लेकिन नाम के बाद जो ताकत है वो आपको वेल नेविगेट करती चलेगी। साहब कह रहे मन, मन आपका बहुत बड़ा बैरियर है। नाम बिना सब विद सुहिना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लइए, उस वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। ये नाम एक चेतन ताकत है जो हर पल आपके साथ रहती है। नाम पाए सत्य जब बीरा, संग्रह में दास कबीरा। नाम सजीव है, इसलिए कहा सार नाम गुरु बिन नहीं पावे, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त हैं जाने बल्ला कोई। जो जो लोग इस चीज़ को समझे, इतनी ज़बरदस्त से पकड़े हुए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। साहब कह रहे हैं हे धर्मदास कच्चा जीव विचलित हो जाए, खेलना हो तो खेलिए, पक्का होके खेल, कच्ची सरसों पेर के खली भया ना तेल। धन्यवाद, मैं कल पुनः हाजिर हो जाऊँगा साहेब बंदगी।